गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आप देख रहे दिव्या माची को। सो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, सो आप लोग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो आज हम करने वाले हैं ट्राइपॉड्स की अनबॉक्सिंग। सो देखते हैं कैसी कैसी चीज़ें आई हुई है इसके अंदर। तो ये ऐसे बॉक्स में आया हुआ है, सो पहले मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ वाला है और ये बिना ब्लूटूथ वाला। देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा कैसा है, हम ट्राई करके आपको बताएंगे। सो हम पहले ब्लूटूथ वाले को ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद ट्राईपॉड को ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी के कैसी है ये चीज़ें। सो पहले हम इसको साइड में रख देते हैं और ये यहाँ से ऐसे खुलता है, यहाँ से ऊपर से स्विच होता है, यहाँ से हम फ़ोन लगा सकते हैं और ये ब्लूटूथ बटन है जो हम आपको बाद में ट्राई करके कनेक्ट करके बताएंगे कि हाउ वाज इट, और इसकी लेंथ देखते हैं कि कैसी है ये। देन तो शायद बढ़िया है। ओ एंड जी, लेंथ इसकी अच्छी है, इसको हम स्विच करके लगा सकते हैं, देखते हैं कि कैसे चलता है। और ये सबसे मेन खास बात इसकी ये है कि साथ में सेल्फी स्टिक के साथ ये स्टैंड भी है। तो आपको ध्यान से देखिए कि स्टैंड के साथ चलता है ये। हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम किसी को पकड़ने बोले, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे स्टैंड लगा के भी इसको चला सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। और ये बटन हम साइड में प्ले बटन दबा के, यहाँ से बटन दबाना होता है, बटन दबाने के बाद हम इसको प्ले भी कर सकते हैं। सो हमें कोई टेंशन है नहीं इस चीज़ में। सो देखते हैं कि हम इसको ट्राई करके आपको बताते हैं। और ये बटन ध्यान से देख सकते हैं आप कि कैसा है इसका बटन, कैमरा जैसा है पर इसको ऐसे बटन दबाने से ये, और ये हाँ इसको ऐसे क्लोज जोर से दबाने से ना इस पर ग्रीन लाइट आती है, वो वहाँ से फ़ोन में कनेक्ट होता है। सो हम आपको कुछ ही देर में आपको बताएंगे कनेक्ट करके कि हाउ वाज ही इज प्लेइंग। सो हम अभी ट्राईपॉड ट्राई करते हैं कि हाउ वाज इट, देखते हैं ये कैसा है। सो देखते हैं इसी को चीज़ें आई हुई है। ये शायद फ़ोन होल्डर है जिस पर हम फ़ोन लग सकते हैं, ऐसे स्विच होता है ये। अच्छा है, इट्स फाइन। ओ देखिए इसमें बैग भी आता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हम ये बैग को हम कहीं पे भी आसानी से लेके आ जा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। और बैग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी है, सो इसे भी हम साइड में रख देते हैं फिलहाल और हम आपको बताएंगे कि हाउ वाज इट, कैसे वर्क करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्वालिटी तो भाई क्या बोलो इसकी, मतलब एकदम मज़ेदार है। देखो एकदम अच्छी चीज़ें है क्वालिटी। लेट्स यूज़ कैसी है ये। सो पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई यूनिक सी एक बॉटल आई हुई है, देख सकते हैं कि आप ये मतलब स्वेट नहीं है। अब देखो इस पर ध्यान से, इसमें एक बबल आया हुआ है और बबल शायद स्वेट होगा तो बीच में होगा, करेक्ट। और ये बबल अभी भी स्वेट नहीं है, मतलब इसका मतलब हमारा फ़ोन अभी भी सही जगह पर नहीं है। जस्ट वेट, मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा है ये। हाँ ये बबल शायद ऐसे स्वेट होता है आई थिंक। और ये हमारा मोबाइल सही हो गया है। हाँ सो मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारा फ़ोन स्वेट है या नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। ये फ़ोन होल्डर है, इसके शू के हिसाब से इसको फिट करता है और ये यहाँ से फिट हो रहा है। रुको मैं ट्राई कर रही हूँ। इसको ऐसे स्वेट पकड़ के इसके स्क्रू को ऐसे फिट करना होता है और ये हो गया हमारा फिट। अब हिट भी नहीं रहा है, इट वॉज परफेक्ट। और सो ये हमारा जो है स्क्रू जैसा, इससे हमें ऐसा ऐसा टाइट लूज फिट कर सकते हैं। इसे इसको टाइट करने के बाद ये एकदम फिट हो गया, ये ना ही हिलेगा ना ही कुछ होगा इसे। और इसे हम फिट और लूज कर सकते हैं जिससे हम इसको ऐसे 360 में घुमा सकते हैं ताकि हमारे फ़ोन को ऐसे पोर्ट्रेट में रखना हो सो ऐसे रख सकते। सो इसका स्क्रू यहाँ से फिट टाइट होता है और ये फिट हो गया है ताकि हमारा फ़ोन यहाँ वहाँ से हिले ना। ओके और ये
सबसे मेन थिंग, जैसे हम 360 सब चीज़ें कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं सबसे बड़ी बात, सो इसे भी हम लेवल में फिट कर लेते हैं। और ये है, हम फोन को पूरा ऐसे घुमा सकते हैं एकदम फुल 360 की तरह, सो इसे अब ये भी हम फिट कर लेते हैं कि हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हम ऐसे काम करें। कर चुके हैं फिलहाल के लिए और ही फिट हो चुका है। और अब आपको हम ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, शायद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। सो इसे इसको ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इसे टाइट भी कर सकते हैं। सो ये हो गया है। और सेकेंड थिंग, मतलब समझो ये हमारी आखिरी चीज़ है, एक एक करके दिखाएंगे हम आपको। ये इतनी भी होती है, इतने साइड तक भी होती है। दूसरे लेवल तक चलते हैं, वो है इसके और भी ऊपर होता है। और अब और एक है इसका लेवल, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। इट वॉज अमेजिंग। इसे लॉक का बटन भी आया हुआ है ताकि ये हम थोड़ा सा कर सकते हैं। और आप इसको देखिए कि ये कितना बड़ा और अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग। इसकी लेंथ वैसे अच्छी है, हम सोलो के लिए इसे यूज कर सकते हैं ताकि हमें किसी की हेल्प ना चाहिए हो तो। इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, आप देख सकते हैं एकदम ध्यान से कि कितना अच्छा है। मतलब इसकी लेंथ, मतलब कितनी भी हाइट के हिसाब से बहुत अच्छी है, हम इसको अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। इसकी 360 नहीं घूमता है ये, सिर्फ इतना ही घूमता है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा नहीं घूमता है, सिर्फ इतना ही घूमता है और इतना ही नीचे होता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब आपको हम ब्लूटूथ कैसे यूज़ करते हैं वो बता देते हैं ज़रा। और ये ब्लूटूथ को हमने ऑन कर दिया हुआ है, देखिए इस पर ग्लीन लाइट आ रही है, ग्लीन एकदम वाइट कलर की। ओके सो हम आपको बता देते हैं कि हाउ वाज इट, कैसे चलता है ब्लूटूथ से। आप भी ध्यान से देखिए ना कि कैसे वर्क करता है ये। और ये ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है और ये इसका नाम, हाँ ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे ये आएगा। और अब हम हमारे कैमरे तक जाएंगे। चल सो हम कैमरे तक पहुंच गए हैं, देखते हैं। पहले हम फोन को लगा लेते हैं अच्छे से कि फोन कैसे लगता है। ओके तो हमारे फोन को लगा लेते हैं कि फोन, हमारे लॉक बटन को ध्यान रखना है कि हमारे लॉक बटन को हम ज़्यादा क्लिक ना करें। और ये हमारा फोन हो गया है अच्छे से क्लिक। ओके सो आप देख सकते हैं कि अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे। सो आपको हम बता सकते हैं कि अभी ये ब्लूटूथ है और मैं फ़ोन में देखी कि मैंने कैसे सिर्फ एक बटन दबाने से फ़ोटो आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आप मेरी फ़ोटो आ रही है, देखिए बिना फ़ोन को दबाए मेरी फ़ोटो आ रही है। इट वॉज कूल, अच्छा गैजेट है ये। सो अब हम इसे भी ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने बराबर कनेक्ट कर चुकी हूँ,
और ये बलून भी बीच में ही है, सो ये मेरा ऑलमोस्ट फोन पहले से कनेक्ट था ब्लूटूथ से, इसे हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। सो देखते हैं कि अभी इस पर फोटो क्लिक होती है, यानी बटन दबा रही हूँ और वहाँ पर फोटो क्लिक हो रही है, आप लोग को दिख रहा है। सो इट वॉज टू अमेजिंग, इसकी लेंथ बड़ी अच्छी है और क्वालिटी तो भाई सबसे ज़्यादा अच्छी है। सो अब हम यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।